हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है जेड फॉर जकारिया, जिसे डायरेक्ट किया है क्रेग जोबेल ने। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, जो है 6 out of 10 स्टार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है और हम एन नाम की बंदी को देखते हैं, जो अकेली ही सिटी में घूम रही थी। वो खाने पीने का सामान उठाकर अपने घर ले जा रही थी। पूरी दुनिया में रेडिएशन फैल चुका है, लेकिन एन जहाँ पर रहती है वहाँ पर कोई भी रेडिएशन नहीं है। वो घर आने पर नहाती है। वो इस घर पर अकेली रहती है, अकेले ही खाना खाती है, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास एक गन और एक डॉग था। फिर एक दिन उसने एक आदमी को अपनी गाड़ी के साथ देखा, जिसका नाम लूमिस था। उसे अब तक पता नहीं था कि इस दुनिया में कोई और भी जिंदा बचा है या नहीं, क्योंकि जहाँ पर भी वो जाती थी वहाँ उसे कोई नहीं मिलता था। लूमिस इस जगह को देखता है तो उसे बहुत पसंद आती है और झरने के पास नहाने लगता है। एन ये देखकर उसके पास आ जाती है और कहती है, प्लीज़ इस पानी से बाहर आ जाओ, इसमें रेडिएशन है, ये पानी ऊपर से आता है, यहाँ नहाना सेफ नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा डर गए थे, इसलिए ये दोनों गन निकाल लेते हैं। लेकिन एन के समझाने पर वो गन नीचे कर लेता है और जल्दी से पानी से बाहर निकल आता है। लेकिन फिर भी पानी से बाहर आते ही उसे उल्टी आने लगती है। वो जल्दी से अपने सामान के पास पहुंचा, क्योंकि उसके पास एक सिरप है जो उसे रेडिएशन से बचा सकता है। वो अपने आप को इंजेक्ट नहीं कर सकता था, इसलिए वो एन से हेल्प लेता है। वो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया था, इसलिए एन उसे अपने घर ले जाती है। उसने कुछ दिन तक उसका ख्याल रखा, वो उसके बारे में और भी जानना चाहती थी, इसलिए एन ने उसका सामान चेक किया, जहाँ पर उसे एक लड़की की फ़ोटो मिलती है। उसे लगता है शायद ये उसकी वाइफ है। वो गॉड से प्रे करती है कि वो लूमिस को बचा ले। अगले सीन में हम देखते हैं लूमिस ठीक हो चुका था। वो वंडर करता है कि ये प्लेस बचा हुआ कैसे है। शायद यहाँ के मौसम की वजह से, यहाँ आसपास बहुत सारे माउंटेन्स हैं, शायद इसी वजह से। एन को लगता है गॉड ने इसी वजह से ये प्लेस दिया है कि और भी लोग यहाँ पर आ सकें। उसका एक ब्रदर और फादर भी थे, ये दोनों मिलकर लोगों को सिटी में ढूंढने गए थे, लेकिन वापस ही नहीं आए। वो अपने ब्रदर की फ़ोटो लूमिस को दिखाती है। अब लूमिस धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। उसने एन को खेत पर काम करते हुए देखा, वो सब कुछ अपने हाथ से कर रही थी। लूमिस कहता है तुम्हें ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करना चाहिए। एन कहती है उसमें पेट्रोल नहीं है। लूमिस कहता है मैंने एक जगह पेट्रोल पंप देखा था। एन कहती है वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है, पर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लूमिस कहता है तुम उसे मैनुअली भी चला सकती हो। एन फिर जाकर सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ट्राई करती है और पेट्रोल भर कर लाती है। इसके बाद हम देखते हैं रात में वो लोग डिनर करते हैं। लूमिस कहता है जब ये सब हुआ तब मैं एक बंकर में था। रेडिएशन से बचने के लिए मैं एक सूट पर काम कर रहा था। मैं वहाँ पर अपनी पूरी लाइफ नहीं बिता सकता था, इसलिए लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आया, लेकिन अब बाहर कोई नहीं था। एन कहती है तुम्हारी वाइफ कहाँ है, मैंने उसकी फ़ोटो देखी थी। लूमिस कहता है वो मेरी वाइफ नहीं है, काफ़ी टाइम पहले मैंने उससे प्यार करता था, लेकिन अब उसे बहुत टाइम हो चुका है। वो कहता है मुझे भरोसा था कि कोई ना कोई तो जगह होगी जीने के लिए। फिर अगले दिन ये फिशिंग करने के लिए गए। लूमिस को ये सब बहुत अच्छा लगता है। इस जगह के बारे में एन को उसके फादर ने बताया था। यहाँ जीने के लिए उसने जो भी किया, ये सारी चीज़ें उसने अपने फादर से सीखी थी। वो खेती इसलिए कर रही थी ताकि विंटर में वो अपने लिए फूड बचा सके। लास्ट विंटर में उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो कहती है हम इसे स्टॉक करके भी रख सकते थे, लेकिन हमारे पास फ्रीज़र नहीं है। जनरेटर था, लेकिन अब वो भी ख़राब हो चुका था। लूमिस कहता है मैं देखता हूँ। उसने चेक किया, लेकिन अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लेकिन जनरेटर से लूमिस को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का आइडिया आया। वो कहता है यहाँ पास में ही झरना है और वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये वो जाकर देखता है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। इसे बनाने के लिए उसे काफ़ी सारे सामान की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो उसे देखने लगता है। उसे बुट की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो चर्च की बुट को तोड़कर कुछ बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो घर नहीं तोड़ सकता था। लेकिन एन को ये बात गलत लगती है। वो कहती है हम गॉड का घर कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पर जो हमें जगह मिली है शायद ये गॉड की वजह से ही मिली है। चर्च में एन के फादर ने ही ये सब बनाया हुआ था। फादर को याद करने के लिए सिर्फ यही ही एक चर्च है। लूमिस को लग रहा था उन्हें फिर से रिवील करना चाहिए, एक नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन एन की वजह से वो इस बात को टाल देता है। अगले दिन वो आसपास की चीज़ें देख रहा था,
वो एक ग्रॉसरी स्टोर में गया जहाँ पर वो ड्रिंक कर लेता है। एन उसे घर पर उठाकर लेकर गई। लोमिस उस पर गुस्सा हो गया कि मैं अपनी चीज़ को खुद कर सकता हूँ, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो ज़बरदस्ती उसके करीब आने लग गया। तब एन वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह उसने रियलाइज़ किया कि उसने क्या किया है। तब वो उसे सॉरी कहता है। इसके बाद हम देखते हैं एन जब चर्च में पियानो बजा रही थी, तब उसे लगता है कि लोमिस भी उसे देख रहा है। वो पीछे देखती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर अगले सीन में लोमिस लकड़ियाँ तोड़ रहा था। तब एन उसे कहती है तुम्हें अंदर आना चाहिए था। वो क्या बोल रही थी लोमिस को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। रात में वो बहुत अच्छा सा डिनर बनाती है। ये थोड़ी सी वाइन पीते हैं। एन ने लोमिस से कहा कि हम दोनों में सारी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए। वो उसके साथ झगड़ना नहीं चाहती। बाद में ये म्यूजिक लगाकर डांस करने लगते हैं और डांस करते करते एक दूसरे के करीब आकर किस भी कर लेते हैं। इसके बाद ये दोनों ऊपर आते हैं। एन को लोमिस के साथ इंटीमेट होना था लेकिन लोमिस कहता है अगर हम दोनों ने ये सब किया तब हम दोनों में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, हमारी रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता लेकिन हम दोनों को कुछ टाइम लेना चाहिए। एक दूसरे को कंपनी देने के लिए वो एक ही बेड पर सो जाते हैं। अगली सुबह एन जब घूम रही थी तब उसका डॉग एक और आदमी को ढूंढ लेता है जिसका नाम केलव होता है। केलव एन को देखकर कहता है मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। एन उसे अपने घर पर ले जाती है लेकिन लोमिस केलव को देखकर थोड़ा सस्पिशियस था इसलिए वो उस पर गन तान देता है। लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे पानी देता है और आगे के प्लान पूछता है। केलव एक दूर की सिटी में जाने वाला था, उसे पता थी कि वहाँ पर लोग जिंदा हैं। लोमिस कहता है तुम्हारी बॉडी पर रेडिएशन है, थोड़े दिनों के लिए तुम्हें यहाँ पर आराम करना चाहिए। घर के बाहर ही वो टेंट बनाकर रह सकता है। इसके बाद लोमिस और एन जब घर के अंदर आते हैं अब एन उसे कहती है तुम उसे बाहर ही सुलाने वाले हो। वो उसे घर के अंदर बुलाना चाहती थी। फिर उन्होंने केलव को घर के अंदर बुलाकर उसे रूम दिया और उसे अच्छा सा खाना खिलाया। केलव कहता है बाहर के हालात बहुत ख़राब हैं। लोमिस कहता है जब मैं वहाँ पर था तब एक लड़का मेरे सामान के पास आया था, मेरा खाना वो चोरी कर रहा था, उसकी पूरी बॉडी पर रेडिएशन थे। मैं जब उसके पास आया तब उसने मुझ पर चाकू लगाया लेकिन वो बहुत ही वीक था। मैंने जब अपनी गन निकाली तब उसने कहा प्लीज़ मुझे मार दो, उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया, उसे मरने के लिए वैसा ही छोड़कर चला आया। केलव कहता है जब ये सब हुआ तब मैं माइन में काम कर रहा था, हम चार लोग थे। थोड़े दिन बीत गए लेकिन हम में से एक को बाहर निकलना था। हमने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि बाहर बहुत सारे रेडिएशन थे लेकिन वो माना नहीं और मेरे दो फ्रेंड और उसमें फाइट हो गई और उस फाइट में उन सब लोगों ने एक दूसरे को मार डाला था। इसके बाद हम देखते हैं लंच ख़त्म हो जाने के बाद केलव जब अपने रूम में था तब लोमिस एन से बात करता है। वो कहता है तुम उसे घर में क्यों आने दे रही हो। एन को नहीं लगता कि केलव उन्हें हर्ट कर सकता है। उसने लोमिस से पूछा तुमने मुझे उस लड़के के बारे में क्यों नहीं बताया। वो कहता है शायद वो तुम्हारा ब्रदर था, मुझे नहीं लगा था कि तुम समझ पाओगी। एन कहती है मुझे भी यहाँ पर तकलीफ हुई थी जब मेरे ब्रदर और फादर नहीं आए थे और इस साल मैं खेती नहीं करने वाली थी, मैं इस तरीके से अकेले नहीं जीना चाहती थी लेकिन जब तुम आए तब मुझे जीने का सहारा मिला और फिर से सारी चीज़ें करना मैंने स्टार्ट कर दिया। एक दिन केलव और लोमिस शिकार के लिए निकलते हैं। शिकार कौन पहले करता है इस बात की ये बैट लगाते हैं। केलव कहता है जो शिकार पहले करेगा एन उसकी हो जाएगी। ये कहकर वो हंसने लगता है लेकिन इसे सुनकर लोमिस जेलस हो गया था। ये दोनों शिकार करते हैं। तभी आगे चलकर लोमिस किस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला था ये बात वो केलव को बताता है। रात में डिनर के टाइम केलव एन से कहता है हमें चर्च को तोड़ देना चाहिए। लोमिस भी इसी के बारे में बात कर रहा था। तभी लोमिस एन से कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करना है। इसके बाद हम देखते हैं फिर अगले दिन ये सब काम करने लगते हैं। फिर केलव एन से बॉक के लिए पूछता है। वो एन से कहता है चर्च के टूटने पर तुम अपसेट क्यों थी। हमारा चर्च टूटा है लेकिन फेद अभी भी यहाँ है, हम सब यहाँ पर जिंदा हैं, ये सब गॉड की वजह से है। लेकिन लोमिस ये सब नहीं मानता, वो गॉड पर बिलीव नहीं करता। एन कहती है हमें सिर्फ थोड़े से डिफरेंसेस हैं, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम देखते हैं केलव एन को लोमिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों को वॉक से वापस आते हुए लोमिस देख लेता है। वो एन से कहता है अगर तुम्हें केलव अच्छा लगा तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, मैं तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। एन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हर्ट हो गई कि लोमिस ने ऐसी बात कही। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। केलव और लोमिस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम कर रहे थे। फिर एक दिन ये सब मिलकर डिनर कर रहे थे।
डिनर के बाद ये सब डांस कर रहे थे। लूमिस आज रियलाइज करता है कि एन से वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। रात में वो लेक के ऊपर स्विमिंग करने आते हैं और लेक में एक बोतल डालकर उसे ढूंढने का गेम खेलते हैं। बाहर आने के बाद लूमिस एन से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एन को भी ये सुनकर अच्छा लगता है। लूमिस आज बहुत ज्यादा ड्रंक था इसलिए ऐसे ही सो जाता है। एन भी ड्रंक थी लेकिन केलब और लूमिस के बीच में कन्फ्यूज थी। वो केलब के पास आ जाती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अगली सुबह एन के पास केलब आता है। इन्हें देखकर लूमिस समझ जाता है कि कल रात ये दोनों एक साथ थे। इसके बाद काम करते टाइम लूमिस केलब से कहता है, अगर तुम नहीं होते तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाते। तुम जाने वाले थे इसलिए एन को मैंने कहा था, तुम्हें रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। कल रात जो भी हुआ ये सब मेरे ही कहने पर हुआ था। केलब कहता है, तुम्हारी जल रही है इसलिए सब मुझे बता रहे हो। इसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे थे। केलब धीरे धीरे नीचे जा रहा था। उसकी डोर लूमिस के हाथ में थी। लूमिस के मन में ख्याल आता है, अगर वो ये डोर छोड़ दे तो केलब को यहीं पर मार सकता है। केलब भी ये समझता है, उसे नहीं लगता कि लूमिस ये कर सकता है, तो उसे चिढ़ाने के लिए वो हंस देता है। इसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है। जब वो घर पर आता है तब एन उसे सॉरी कहती है, लेकिन लूमिस कहता है, उस रात जो भी हुआ ये सब एक गलती थी। तुम ड्रंक और कन्फ्यूज थी लेकिन अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। केलब यहाँ से दूर जा चुका है। इसका मतलब होता है पिछले सीन में लूमिस ने केलब को मार दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लूमिस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। एन को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो जब भी गॉड को याद करती है तो हमेशा पियानो बजाती है, लेकिन लूमिस कभी उसके पास नहीं आता। आज वो भी उसके पास आ जाता है। वो जिस पर बिलीव करती है उसी पर लूमिस भी अब बिलीव करना चाहता था। दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।